हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड ईएएफएम पेपर सेकंड ई एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व है चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कार्यशील पूंजी का प्रबंध और सब पॉइंट है कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाना। तो देखते हैं कार्यशील पूंजी अनुमान लगाने के लिए कौन कौन सी विधियाँ काम में ली जाती हैं। किसी व्यावसायिक संस्था में उत्पादन के विशेष स्तर की वित्त व्यवस्था के लिए कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी इसका अनुमान लगाना स्वयं में एक महत्वपूर्ण समस्या है। इसके लिए भविष्य में विभिन्न चालू संपत्तियों की आवश्यकता तथा रोकड़ प्रवाहों का अनुमान लगाया जाता है। रोकड़ प्रवाहों से यह ज्ञात हो जाता है कि भविष्य में चालू संपत्तियों के लिए कितनी रोकड़ की आवश्यकता एवं उपलब्धि होगी। इस कार्य के लिए कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों इनकी को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक क्रिया के प्रत्येक पहलू का गहन अध्ययन करके अनेक गणनाएं की जाती है। इस कार्यशील पूंजी का अनुमान संस्था की भावी रोकड़ आवश्यकताओं का निर्धारण करना है ताकि संस्था के वित्तीय स्रोतों में आवश्यक तरलता बनी रहे। किसी भी आगामी अवधि के लिए कार्यशील पूंजी की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए कुछ विधियां हैं। जैसे नंबर एक है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, नंबर दो है रिग्रेशन एनालिसिस मेथड, नंबर तीन है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, नंबर चार है फोरकास्टिंग नेट करंट एरिया मेथड और 16 लास्ट है इसका वो है प्रोजेक्ट प्लानर सीट मेथड। ये था हमारा कार्यशील पूंजी का प्रबंध के बारे में अध्ययन। तो उसके बाद हमारे पास सारी विधियाँ आ जाएंगी, उन विधियों का हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।